नमस्कार, चैनल 9 देख रहे हैं आप। मेरे साथ मौजूद हैं इस समय शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह जी। सर, आपका स्वागत है चैनल 9 पर। थैंक यू वेरी मच। सर, अब आप सेकंड टाइम विधायक बन गए हैं और मंत्री परिषद की दौड़ में भी आपका नाम कहीं ना कहीं आगे चल रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो कहीं किसी दौड़ में नहीं हूँ। जो भी जिम्मेवारी हाईकमांड देती है, पहले भी हमने निभाई है और आगे भी अगर देंगे तो उसको भी हम पूरी मजबूती के साथ निभाएंगे। और पार्टी को मजबूत करना, प्रदेश की आवाज़ को उठाना, यह हमारा दायित्व है, जिसे हम हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हमारी प्रदेश अध्यक्ष पार्टी अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी के नेतृत्व में करते रहेंगे। जिस तरह का विपक्ष का आपको रवैया दिख रहा है यहाँ पे दो दिनों से, जो है पहले ही सत्र में, जो है पहले ही दिन जो है नारेबाजी और वॉकआउट, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले दिन जिस दिन शपथ समारोह था उसमें ही उन्होंने इस तरीके का जो है एक व्यवहार रखा। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी, वो मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते थे और जो भी उनकी बातें थी, जो भी उनके मुद्दे थे, उसको मुख्यमंत्री जी के समक्ष सही रूप से रख सकते थे। मगर पहले ही दिन जो है उग्र प्रदर्शन करना, ये लोकतंत्र की परंपरा के खिलाफ है और इसका ख्याल जो है वो मुख्यमंत्री जी को रखना चाहिए। शिमला राजधानी के साथ लगता आपका क्षेत्र है और ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे चुनौतियाँ भी काफ़ी रहती हैं, आपने काफ़ी काम भी किए, लेकिन सड़कें, पेयजल और कुछ मूलभूत बसों की जो समस्या रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? समय रहते हुए सब मुद्दों को उठाएंगे, पहले भी उठाया है, पिछले 5 साल भी उठाया, अगले 5 साल में भी उठाएंगे, उसे पूरा भी करेंगे। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थी शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह। इनका मानना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं रखेगी और क्षेत्र शिमला ग्रामीण क्षेत्र को भी विकास में कभी भी पीछे नहीं रखा जाएगा। धर्मशाला तपोवन से कल्याण प्रिंटा के साथ राहुल शर्मा की रिपोर्ट।